ठीक है, तो अब देखो, याद करो, हमने बहुत सारे बॉडी शेप्स के कारण हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी स्पेस में, जैसे हमने रिंग के कारण निकाली थी उसकी एक्सेस पे, तो अब हम पोटेंशियल निकालेंगे रिंग के कारण, है ना। तो लिखो, पहला पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग एट इट्स एक्सेस, ऑन इट्स एक्सेस, है ना। तो इसकी रेडियस ए है, चार्ज क्यू है, तो किसी डिस्टेंस एक्स पे पोटेंशियल कितना होगा। फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी, फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट पी कितना है। ये डिस्टेंस कितना होगा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, और देखो ये जो भी चार्ज है पूरा का पूरा चार्ज इस पॉइंट से रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिस्टेंस पे, क्योंकि जो रिंग की पेरिफेरी है वो इतने ही डिस्टेंस पे होगी। तो पोटेंशियल सीधा सीधा क्या आ जाएगा पी पॉइंट पे, के क्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस, कुछ और लिखने की ज़रूरत ही नहीं यहाँ पे, तो आएगा समझ में। चार्ज को नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दें तो तब भी सेम रहेगा ना, क्योंकि डिस्टेंस से मतलब होता है, और रिंग के केस में फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, तुम उसकी एक्सिस पे निकाल रहे हो जो सिमेट्रिक पॉइंट है, किसी और पॉइंट पे निकालोगे तो बिल्कुल फ़र्क पड़ जाएगा। फिर भाई तुमने अलग अलग जगह दे दिया तो अलग अलग डिस्टेंस आएगा चार्ज का, और जो उसकी एक्सिस है वो इक्वी डिस्टेंस है, तो रिंग का क्लियर है सबको। चलो ये याद रखना ये फॉर्मूला भी, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, के क्यू एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, और पोटेंशियल का ये हर एक का हमें पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ध्यान रखनी है और पोटेंशियल भी ध्यान रखना है। अभी जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे हैं इसमें ऐसे फॉर्मूले आएंगे ना, कुछ 10-15 फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। चलो एक क्वेश्चन लिख लो भाई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड हैविंग चार्ज डेंसिटी लैम्डा एट पॉइंट पी, इलेक्ट्रिक फील्ड, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रॉड एज शोन इन द फिगर एट पॉइंट पी। हो गया, क्या है बताओ। अच्छा, डिस्टेंस पे एक्स ही ले लिया अपन ने, ठीक है। तो मान लो यहाँ से आर डिस्टेंस पे, क्योंकि हमको जो फॉर्मूला पता है, हमको तो पॉइंट चार्ज के कारण पता है, तो आर डिस्टेंस पे डी आर विड्थ का मानते हैं, इस पे डी क्यू कितना हो जाएगा, लैम्डा डी आर, इसके कारण पोटेंशियल कितना आएगा, छोटा सा जो पोटेंशियल आएगा वो क्या आएगा, के डी क्यू बाय आर, तो के लैम्डा डी आर बाय आर। नेट पोटेंशियल चाहिए, इंटीग्रेट कर दो, के लैम्डा इंटीग्रेंट डी आर बाय आर, कहाँ से कहाँ तक, तो वी इक्वल टू के लैम्डा एल एन एल प्लस एक्स अपॉन एक्स। अब तो आ गए होंगे ना, ये इंटीग्रेशन 1/r का इंटीग्रेशन एल एन आर, और एल एन ए माइनस एल एन बी होता है एल एन ए बाई बी,